राजकुमार राव और पवन सिंह का जोड़ी फिर से तहलका मचाने के लिए तैयार हो गया है। जी हाँ, एक सॉन्ग लॉन्च करते हैं चुम्मा करके। और ये सॉन्ग कल रिलीज होता है और 16 मिलियन से क्रॉस हो चुका है, यानी मतलब देख सकते हैं अभी हम आपको वीडियो बना रहे हैं तो ये सेकंड नंबर ट्रेंडिंग पर ये वीडियो चल रहा है। और पवन सिंह का जोड़ी ये काफ़ी धमाल मचा रहा है, साथ साथ में देख सकते हैं पवन सिंह इस गाना में डांस कर रहे हैं। इसके पहले राजकुमार राव के सॉन्ग आई नहीं करके ये सॉन्ग आया था, उस समय भी तहलका मचाया था पवन सिंह के जोड़ी ने। पवन सिंह के गाना समझे राजकुमार रॉय के लिए लक्की साबित हुआ और वो स्त्री 2 इतना ब्लास्ट गया कि आज ये सॉन्ग पवन सिंह को साथ में लेना पड़ा और पवन सिंह के साथ साथ डांस भी पवन सिंह उसमें इस गाना में डांस कर रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी भोजपुरी जगत के लिए खुशी की बात है कि पवन सिंह के देख सकते हैं हिंदी फिल्म में भी ये गाना आया, हिट हुआ और उसके बाद पवन सिंह को बुलाया जाता है, हिंदी फिल्म के गानों में डांस करवाया गया। पवन सिंह जो सिंगर भोजपुरी के हैं, उनका आमतौर पर देखा जाता है कि सिंगर को कोई वहां पर रोल नहीं होता है गाना में, लेकिन पवन सिंह को वहां पर डांस करवाया गया। अंतरा जो सेकंड अंतरा थर्ड अंतरा में पवन सिंह डांस करते हैं और जब पवन सिंह आते हैं तो देख सकते हैं किस तरह माहौल बनता है। विक्की डिबिया का वो बोला फिल्म का ये सॉन्ग है चुम्मा, देख सकते हैं किस तरह से ये फरमाया गया है, लिरिक्स भी एक से एक है, एकदम हर जगह सुटेबल जगह से शूट किया गया है। हर एंगल से परफेक्ट ये गाना है, ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह का ये फिर से एक तहलका मचाने वाला सॉन्ग है और भोजपुरी के लिए गर्व की बात है कि ये पवन सिंह इस गाना में डांस भी कर रहे हैं। जी हाँ, और साथ साथ में जो हीरोइन देख रही हैं और साथ साथ में जो एक्ट्रेस को देख रहे हैं, इनका नाम है तृप्ति डिमरी और ये देख सकते हैं नाम में भी अलग है और काम में भी अलग कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से अदा से भरपूर हैं, जो मुस्कान मारते हैं तो लाखों लाखों बिहारियों इन पर मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ऐसे इनकी अदा है। देखिए किस तरह से ये तृप्ति डिमरिया डांस कर रहे हैं और पवन सिंह के बीचों बीच में, पवन सिंह और राजकुमार के बीच में ये पवन सिंह का एक अलग ही होश उड़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आरबीएन हिंदुस्तान, सोनू कुमार के साथ।